क्लासेस में आपका स्वागत है। छात्रों आज हम कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र के सब्जेक्ट का जो 7 लेसन हमारा चल रहा है पिछले वीडियो से चला आ रहा है, तो आज उसी सीरीज में हम इसका जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है जिसका हम पहला वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं, अंकगणितीय माध्य यानी कि समांतर माध्य यानी कि एवरेज मीन। ठीक है, तो उसी औसत माध्य अंकगणितीय माध्य या समांतर माध्य यानी कि मीन, इसकी हम दो एग्जाम्पल कर चुके हैं। चूँकि वो एग्जाम्पल क्या थे कि वो इंडिविजुअल सीरीज के थे। कौन सी सीरीज के थे? इंडिविजुअल सीरीज यानी कि व्यक्तिगत सीरीज। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष रीति के माध्यम से अंकगणितीय माध्य निकालना है, और हमें एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है। छात्रों अपनी ये वाली बुक देख रहे हैं और साथ में शुक्ला की, इसमें 111 पेज पे यानी कि 111 पेज पे आपको मिलेगा 3 एग्जाम्पल, जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित आवृत्ति वितरण से विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों का अंकगणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। छात्रों अब इसमें अंकगणितीय माध्य ज्ञात करना है केवल हमें, और इसमें ये मेथड नहीं लिखा है कि कौन सी मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपसे आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहें तो इसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं प्रत्यक्ष रीति से, और आप चाहो तो इसको इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष रीति से यानी कि शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड से देखेंगे, पहले देखेंगे प्रत्यक्ष रीति से यानी प्रत्यक्ष रीति से इसको डिस्फाइन करते हैं। तो छात्रों इसमें आपको ये जो श्रेणी दे रहे हैं ना, इसमें दो वैल्यू दे रखी है आपको। कितनी वैल्यू दे रखी? दो। एक तो प्राप्तांक दे रखा है, मतलब विद्यार्थियों की किसी परीक्षा में प्राप्तांक होंगे, और उसमें विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। संख्या को हम दर्शा देते हैं एफ के माध्यम से। एफ का मतलब होता है आवृत्ति। ठीक है, एफ का मतलब क्या बताया है यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी, एफ आर ई क्यू यू ई एन सी आर यानी कि आवृत्ति। तो आवृत्ति जो शब्द है हमारा, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं एफ के एन फ्रिक्वेंसी के माध्यम से। ठीक है, और जो इसका पहला वाला होता है ये, इसको हम एक्स मानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे व्यक्तिगत श्रेणी नहीं है, व्यक्तिगत श्रेणी होती तो केवल एक मान दिया होता आपको एक्स का, और यहाँ पे केवल सीरियल नंबर दिए होते। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं आप कि आपको एक तो प्राप्तांक दिया है यानी फर्स्ट वैल्यू, और सेकेंड वैल्यू विद्यार्थियों की आवृत्ति दी हुई है कि कितने विद्यार्थियों की आवृत्ति, जैसे यहाँ पर लिखूंगा मिलना, तो कितने विद्यार्थियों के ऐसे हैं जिनके अंक 66 आए हैं। जैसे कि देखो हमारे क्वेश्चन में क्या है, पहला लिखा हुआ है 65, यानी कि सबसे पहला जो विद्यार्थी है वो है 65 अंकों वाला। ठीक है, दूसरा लाइन से लिखे 73, 65 के बाद 66, 67, 68, 69, 70, 71 72 और 73। देखिए छात्रों को इसमें आपको दिख रहे हैं कितने छात्र हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमारे छात्र दिए, मतलब उनके प्राप्तांक दिए 9 छात्रों से, और संख्या देखिए 65 हमारे केवल जो 65 अंक आए हैं यानी कि आवृत्ति हुई वो केवल एक विद्यार्थी के लिए, यानी कि एक विद्यार्थी सर वैसा है इसके 65 नंबर। इसके बाद हमारे 4 यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 दिए हैं, आवृत्ति हुई है 12, इसलिए इसमें हमें ऐसे समझना पड़ेगा। ठीक है, कि इसमें हमें दो वैल्यू दे रखी हैं, फिर 11 दी है, आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, फिर 10 दिया हुआ है, फिर 6, फिर 4 और फिर 2। देखिए छात्रों ये हमने पूरा क्वेश्चन नोट कर लिया है, आप इसमें आप समझेंगे कैसे कि व्यक्तिगत श्रेणी कौन सी श्रेणी, तो ये हमारी आपको दिख रही होगी खंड श्रेणी है। छात्रों कौन सी श्रेणी है? खंडित, खंडित यानी डिस्क्रीट सीरीज को हम बोलते हैं। आपको शायद याद होगा मैंने जब उसके फॉर्मूले लिखाई थी तो ये श्रेणी आपको बताई थी कि व्यक्तिगत श्रेणी किसे कहते हैं, खंड श्रेणी किसे कहते हैं, वर्गांतर या सतत श्रेणी किसे कहते हैं। तो खंड श्रेणी में आप जानते हो मैंने आपको बताया था इसमें एक्स का वैल्यू रहता है और एफ का वैल्यू रहता है। तो देखिए इसमें हमारे दोनों वैल्यू दे रखी है, एक्स की भी दे रखी है मतलब प्राप्तांक दिए, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए मतलब कितने छात्रों के, जैसे एक छात्र की आवृत्ति 65 नंबर वाले की आवृत्ति केवल एक हुई है, मतलब एक विद्यार्थी इसके 65 नंबर, फिर 4 विद्यार्थी इसके 66 नंबर। तो ऐसे हम समझ जाएंगे ये जो दूसरा जो मैं मान दिया है ये एफ यानी कि फ्रिक्वेंसी है आवृत्ति। ठीक है, ऐसे पता चलेगा कि ये हमारी खंड श्रेणी है, एक एक्स का मान और एक एफ का।
तो जब हम ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले श्रेणी ही देखनी पड़ती है कि श्रेणी आखिर कौन सी है। हमने देख लिया श्रेणी खंडित है एक्स और गुणा बी एन को। अब हम क्या करेंगे, हम इसको लेके डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। कौन सी मेथड से? डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रीति। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, प्रत्यक्ष रीति से जब हम अंकगणित मत ज्ञात करते हैं तो हमें इन दोनों को आपस में गुणा कर देना होता है। यानी कि हम एक्स का इंटू कर देते हैं एक्स के एक्स का एक्स है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल के आती है एफ एक्स। ठीक है छात्र। और यहाँ पे जो हमारे ये एल बराबर निकलने वाला है वो एल बराबर देखिए आप या तो इसको सिग्मा एम बोल सकते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं एन। जैसा कि मैं अभी तक करते आ रहा था व्यक्ति श्रेणी में तो क्या होता था, यहाँ पे जो नंबर सीरियल नंबर होते थे जैसे एक दो तीन चार पाँच वही हमारा एन हो जाता था। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आवृत्ति दी हुई है तो आवृत्ति का वैल्यू होगा हमारा एन, यानी कि एन बराबर एस सिग्मा एफ इक्वल टू एन इक्वल टू। अब इसका हम टोटल कर देंगे तो हमारा एन का मान निकल आएगा। तो छात्रों इसको आप जोड़ लेंगे, सबसे पहले आप जोड़ के देखेंगे तो ये हमारा टोटल नंबर आ जाएगा विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी 50। ठीक है। अब देखिए जैसे आप लोग जोड़ के देख लीजिए, जैसे 4 और 5 10 17 और ये 18 28 38 38 और 40 10 50 हो गए टोटल हमारा सिग्मा एफ यानी कि एन बराबर हो गया। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हमको एक्स और एफ का क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 65 में 65 ऐसे ही कैसा जाएगा ऐसे देखा हम। इसके बाद 66 का फॉरवर्ड करेंगे, तो जैसे ही आप 66 का फॉरवर्ड टू करोगे तो आपका आएगा 264। आप इसका गुणा करके देख लेना 4 4 6 24 4 5 2 4 6 24 4 5 2 यानी 24 24। ऐसे ही आप इसका इंटू कर दीजिए तो इसका 66 67 में 5 का इंटू करोगे तो आएगा 335। इसके बाद जैसे ये दूसरा मल्टीप्लाई करोगे तो ये 476 आ जाएगा 476। इसके बाद 759 यानी कि 759 आ जाएगा छात्र। ठीक है। इसके बाद इस 700 हो जाएगा सीधा 700। इसके बाद अगला है हमारा 426 आ जाएगा और लास्ट दूसरा जाएगा हमारा 28 288 248 146। ठीक है सर। तो आपने ये देखा कि हमने एक तो सिग्मा एफ का मान निकाल दिया, अब हमने इसका इसमें गुणा कर दिया 66 64 264। ठीक है, सबका हमने ऐसे इंटू कर दिया। अब हम लगाएंगे इसका टोटल, तो जैसे ही आप इसका टोटल लगाओगे एफ एक्स का तो सबसे पहले टोटल लगा दें तो एक ग्रीक शब्द का चिन्ह है ना तो सिग्मा वो आएगा सिग्मा एफ एक्स। अब हम इसका टोटल कर लेंगे तो जैसे कि आप इस वैल्यू का टोटल करोगे इस वैल्यू का टोटल आएगा 3459 यानी कि 3459। सबको ये टोटल करके देख लेना एक बार कई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वैसे ये टोटल सही है क्योंकि ये एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ। तो ये हमने टोटल जैसे आप करोगे तो ये आएगा 3459 यानी कि 3459 हो गया। अब जैसा कि छात्र आप लोग जानते हो, छात्रों आप सब समझते हो कि ये हमारा हमने इसका फॉर्मूला पहले लिख रखा है तो अब हमें प्रत्येक स्थिति से समांतर मान निकालना है। तो सबसे पहले तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ये फॉर्मूला है इसका सिग्मा एफ यानी कि एन। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन भी या सिग्मा एफ भी रख सकते हो। ठीक है, बात देखिए पुट कर दीजिए वैल्यू। सबसे पहले तो 3459 में डिवाइड करेंगे हम कितने का, कि यहाँ पर देखिए वैल्यू कितनी है ना इसको डिवाइड करना। ठीक है, अब छात्रों आप जैसे ही 3459 में 50 के डिवाइड करोगे, ठीक है मैं डिवाइड करके भी आपको बता दूंगा, लेकिन आपको करना है ये काम क्योंकि परीक्षाओं में आपको देना पड़ेगा। तो जैसे ही हम ये 50 से इसको काटेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी एक्स बार इक्वल टू ये जाएगा आपका 59.18। ठीक है सर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं ये भी समझ सकता हूँ कि हो सकता है कि आपने बहुत दिनों से डिवाइड इंटू नहीं किया हो तो आपको तकलीफ हो सकती है।
तो मैं आपको ये डिवाइड करके भी दिखा देता हूँ कि 50 को हम 3459 से कैसे काटेंगे। ये हमारा रब्बर है, हमारा आंसर यहीं पर जाएगा जब हम 3459 को 50 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, 3459 का डिवाइड किससे करना है 50। देखिए अब हमें 50 का हमारा ऐसे पढ़ना है कि हमारा ये पूरी, तो देखिए चार पॉइंट तो हो नहीं पाएंगे, इसकी हम लेंगे तीन अंक लेने के बाद, यानी कि 50 का ऐसे भाग पड़ेंगे हम ताकि ये 345 कट जाए। तो देखिए आप अगर 50 का भाग 6 बार करोगे तो 5×30, यानी कि यहाँ पे 6 बार आएगा और यहाँ पे 300 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 का भाग मैंने कितने बार पढ़ गए 6 बार, तो 5×30 हो गया, 300 के 50 का भाग ना 0 लगाएंगे। अब हम यहाँ से घटा लेंगे, यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा 4, ये कुछ नहीं। अब हम कौन सा रूप करेंगे बच्चों, 59 हो जाएगा। नौ का अब ऐसे पहाड़ा पड़ेंगे कि 4×9=45, यानी कि यहाँ पाँच नाम पैंतालीस। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया हमारा 4, अभी कितना बचा है यहाँ पे, अकेला हमारा 9 बचा है, 9 को भाग जाएगा ये, तो यहाँ पे लगाएंगे दशमलव और यहाँ पे बढ़ाएंगे। अब जैसे तुम ये डिवाइड करो कि 50×100 ज़्यादा हो जाएगा, 50×50। अब बचेंगे आपकी 40, तो दशमलव की बात कितने भी 0 पड़ा दो, 3×40 देखिए कट गई। तो इस तरीके से आपका ये पूरा डिवाइड हो जाएगा 69.80, ठीक है। अब छात्रों आपको एक काम करना है, मैंने इसका शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला तो आपको लिखाई था, ठीक है, तो आपको क्या करना है इसको इसी सवाल को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करके देखना है, ठीक है, और नहीं आएगा तो आप विद्यालय में आकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, तो मैं उसका पूरा सॉल्यूशन आपको करा दूँगा, ठीक है। तो छात्रों आपने इसको डायरेक्ट मेथड से करना सीख लिया है, मुझे उम्मीद है कि आपको एक व्यक्तिगत श्रेणी के सवाल आ गए होंगे अच्छे से, और एक हमारी ये कौन सी श्रेणी बताई गई होगी, खंड श्रेणी के भी सवाल आपको आ गए होंगे। अब एक सवाल हम इसका ऐसा करेंगे जिसमें सतत या वर्गांतर श्रेणी दी होगी, तो वैसी श्रेणी में कैसे सॉल्व करना है वो और देखेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम शुरू करेंगे इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपको करके देखना है, नहीं आज मुझसे पूछ सकते आप। ठीक है छात्रों, तो अब हम जो हमारे एक्सरसाइज के सवाल तो आपको ही करने हैं, क्योंकि एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ, और एक्सरसाइज के सवाल करते समय अगर किसी प्रकार की समस्या कोई भी सवाल प्रॉब्लम करता है तो मुझसे आप सीधे विद्यालय में आकर संपर्क करेंगे, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा उनका, वैसे आपका तो क्योंकि एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। अब रह गया आपका केवल सतत श्रेणी का, यानी वर्गांतर श्रेणी क्लास इंटरवल वाला, वो मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप इसके जो एक्सरसाइज के सवाल हैं वो सॉल्व करें। अब बच्चों हम एक बात और जान लेते हैं, अभी हमने इसका जितने वीडियो बने हैं इसके, इसमें हमने केवल अंकगणित या समांतर माध्य सीखा है। अब हम इसके जो दूसरा पैराग्राफ है इसको हम बोलते हैं माध्यिका, यानी कि मीडियम या माध्यिका, वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो हमारा वीडियो दिमाग बनेगी छुट्टियों के बाद ही संभव हो पाएगा, ठीक है। तो सभी को हैप्पी धनतेरस और हैप्पी दिवाली एडवांस में मुबारक, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग अपने नोट्स बनाएं और पढ़ाई करते रहें, सुरक्षा के साथ दिवाली मनाएं, थैंक यू।